नमस्कार, मैं हूं अमित भास्कर और आज मेरे साथ जो इंसान है वो अपने आप में ईमानदारी की मिसाल है। कॉमनवेल्थ स्कैम हो या 2G स्कैम हो या एविएशन स्कैम हो या कोल स्कैम हो, इन सभी स्कैम को जनता के सामने लाने वाले जो शख्स हैं वो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर ये इंसान नहीं होते तो शायद देश को पता भी नहीं चलता कि CAG नाम की संस्था इस देश में है। और इन्हें कंपेयर किया जाता है, इन्हें कहा जाता है कि इस देश में बस दो ही राय हैं, एक सरकार की राय और एक विनोद राय। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विनोद राय जी। और सर, इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू सर। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि CAG किसके प्रति जिम्मेदार है, सरकार के प्रति, जनता के प्रति या उनके भावनाओं के प्रति? अमित, CAG की जिम्मेदारी सरकार ये जनता के प्रति नहीं। CAG जब ऑफिस ग्रहण करता है तो वो जो ओथ लेता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एलिजेंस का ओथ लेता है जी। तो CAG की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई हैं, मैंडेट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वही CAG फुलफिल करता है जी। सर, CAG कई ऑडिट्स करता है एंड जनता को जो बात पता लगती है वो फाइनल रिपोर्ट ही पता लगती है, उसके कुछ अंश पता लग पाते हैं, पूरा डिटेल नहीं पता लग पाता है। तो फॉर द सेक ऑफ दियर नॉलेज कैन वी एक्सप्लेन इट, लाइक संक्षेप में आप बताना चाहेंगे कि कोई भी ऑडिट जो होता है वो बेसिकली होता कैसे है, किस किस लेवल पर होता है? देखिए, CAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ऑडिट करना जी, और चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इसके लिए हम हेडक्वार्टर्स में, हम CAG का दफ्तर है दिल्ली में, और हर एक स्टेट कैपिटल में एक अकाउंटेंट जनरल है जो कि अकाउंट्स का काम देखता है और दूसरा अकाउंटेंट जनरल जो ऑडिट का काम देखता है जी। तो हम लोग जितनी भी संस्थाएं, सरकार की संस्थाएं हैं, उनको हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने के बाद हम जो रिपोर्ट लाते हैं, अगर स्टेट का ऑडिट है तो वो रिपोर्ट हम विधानसभा में पेश करते हैं, और सेंट्रल ऑडिट अगर है तो उसको हम पार्लियामेंट में पेश करते हैं। और जितनी भी हम ऑडिट करते हैं उनको सबको हम, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें पेश करने के बाद हम उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं, और उसको हम अब पिछले 8 या 10 साल से हम उसको अपनी वेबसाइट पर डाल दे रहे हैं। तो जो भी हमने ऑडिट किया होगा, हर एक ऑडिट को हमने अपनी वेबसाइट पर डाला है और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया है जी। केवल हम लोगों ने अभी रिसेंटली ये किया है कि जो सोशल सेक्टर के ऑडिट्स हैं, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट है, रूरल हेल्थ है, पोल्यूशन है, वाटर है, ऐसे सोशल सेक्टर के इश्यूज हैं, उनको हम लोगों ने संक्षिप्त में छोटी छोटी पैम्फलेट्स बना के आम जनता को बांटने के लिए या सांसद को बांटने के लिए या कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए हमने वो पैम्फलेट्स भी वो कर दिए, जिसमें कि उनको समझने में ऑडिट की जो प्रक्रिया है, ऑडिट की जो फाइनल ऑब्जर्वेशंस है, उनको समझने में आसानी हो जाए जी। विनोद जी, आप पर ये आरोप लगते रहे हैं कि जो आपने कोल स्कीम का ऑडिट किया वो मुख्यतः उन उस कांग्रेस के कार्यकाल के थे। आपने 2004 से पहले के जो आवंटन हुए थे उसका ऑडिट क्यों नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि ऑडिट लगातार होता रहा है जी, और 1993 के बाद भी ऑडिट हुआ है, लेकिन ये जो 2004 से ऑडिट हम लोगों ने किया वो केवल एक परफॉर्मेंस ऑडिट था। तो परफॉर्मेंस ऑडिट जो होता है वो नॉर्मल जो फाइनेंशियल ऑडिट से उससे एक स्टेप और आगे जाता है, क्योंकि उसमें सरकार की प्रक्रिया की, सरकार की जो एक्सपेंडिचर है उसकी प्रक्रिया की एफिशिएंसी भी नापी जाती है, इसलिए काफ़ी सारी बातें वापस आई। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो आवंटन हुए हैं वो मेन आवंटन तो 2004 के बाद हुए हैं, उसके पहले तो आवंटन बहुत कम हुए थे। अगर मेरी याददाश्त सही रही तो केवल 39 आवंटन उसके पहले हुए थे, और मेन तो उसके बाद हुए हैं जी। सर, जब आपने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की, CAG ने जब ड्राफ्ट रिपोर्ट दिया कोल स्कैम के बारे में, तो उसमें करीब करीब 10 लाख करोड़ का घोटाला सामने आ रहा था। फिर एक इंटरव्यू में आपने कहा कि उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के आने के बाद आपकी मीटिंग प्रणब मुखर्जी साहब से हुई, जो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड उनके साथ आप प्रधानमंत्री जी से भी मिले, एंड जस्ट उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोल से एक ऑर्डर आता है कि जो स्टेट PSU के लॉसेस हैं उसको हटा दिया जाए। और जब उसको हटा दिया गया तो लॉस करीब करीब 1 लाख करोड़ पर आ गया। तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ कोल की ये बात क्यों मानी कि उस लॉस को हटा दिया जाए?
नहीं देखिए, इसमें दो चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजन है जी। जो हमारी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी जिसमें 10 लाख करोड़ दिखाया गया था जी। वो रिपोर्ट कहीं से लीक करके टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गई जी। हाँ, तो वो क्यों लीक हुई, कैसे लीक हुई, वो तो ड्राफ्ट स्टेज पे थी, और ड्राफ्ट स्टेज पे रिपोर्ट सीएजी खुद नहीं देखता है, वो डायरेक्टर जनरल के लेवल से ही इशू हो जाती है, क्योंकि ड्राफ्ट रिपोर्ट देखने के बाद मंत्रालय अपना जवाब देता है। और हो सकता है कि हमारे जो जो ऑडिट हुई है उसमें जो जवाब आता है उस जवाब से हमको संतुष्टि हो जाती है, उसलिए हम चीज़ें निकाल देते हैं। लेकिन जो प्रणब मुखर्जी की बात आप कह रहे हैं वो दो बातें मिक्स हो गई है। प्रणब मुखर्जी साहब से हमारी मुलाकात हुई इस इशू पे नहीं हुई, हमारी मुलाकात इस दूसरे इशू पे हुई थी कि ये जो ड्राफ्ट रिपोर्टें हैं ये लीक क्यों हो रही हैं जी। और ये लीक इसलिए हो रही है कि सीएजी को आरटीआई के तहत कवर किया गया है। तो वो बात लोकसभा स्पीकर को समझाने के लिए, जब मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा तो लोकसभा स्पीकर को ये बात समझाने के लिए हम और प्रणब मुखर्जी साहब गए थे, और उनको ये बताया गया कि हम जो हम ऑडिट करते हैं वो तो पहले हम पार्लियामेंट के लिए करते हैं जी। तो पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट देखे बिना अगर आरटीआई के तहत हम किसी और से शेयर करें तो शायद ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज हो सकता है। ये बात एक्सप्लेन करने के लिए हमने पहले प्रधानमंत्री जी से डिस्कस किया, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हम लोग लोकसभा में गए थे। और दूसरे तो जो आप लॉस की फिगर्स की बात कर रहे हैं, वो कोई ऑर्डर कोल मंत्रालय से नहीं आया था, उन्होंने खाली हमारे ड्राफ्ट का जवाब दिया था। और हमने खुद रियलाइज़ किया जब वो हमारे डिप्टी सीएजी लेवल पे रिपोर्ट ड्राफ्ट रिपोर्ट देखी गई कि जो पब्लिक सेक्टर देखिए 74% या 75% इस देश का जो कोल एक्सट्रैक्शन होता है वो पब्लिक सेक्टर ही करता है जी। तो पब्लिक सेक्टर तो कोई अब मार्केट रेट पे बेचता नहीं है, वो तो फिक्स प्राइस पे बेचता है। तो जो आवंटन पब्लिक सेक्टर को हुए थे उसमें तो पास थ्रू होता है, उसमें लॉस का कोई सवाल नहीं उठता है। तो वो लॉस के फिगर भी वो 10 लाख करोड़ में जोड़ दिए गए थे। तो जब हमारे दफ्तर में ही ये बात हायर लेवल पे देखी गई तो तब हम लोगों ने इसको निकाल दिया। तो आपको नहीं लगता कि अगर स्टेट पीएससी उसको हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं जो स्टेट सीएजी होता है उसको ही ऑर्डर दिया जाना चाहिए था कि वो हर स्टेट में जो पीएसयू है उनका ऑडिट करे? नहीं देखिए, स्टेट जो पीएसयू जो हैं उनका ऑडिट तो स्टेट अकाउंटेंट जनरल करता ही है, लेकिन जो ये तो सेंट्रल ऑडिट था। सेंट्रल ऑडिट को हम टीम बनाते हैं, और टीम ऐसे बनाते हैं कि मान लीजिए कोई कोल माइन बिहार में है तो बिहार एजी का लोग वहाँ पर जाएंगे, उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा एजी के लोग वहाँ पे जाएंगे, छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ एजी के लोग वहाँ पे जाएंगे वो करने के लिए। तो ऑर्डर देने का सवाल नहीं, ये सेंट्रल ऑफिस में एक वो गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन के तहत हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ इंक्लूड की जाएगी कि क्या चीज़ एक्सक्लूड की जाएगी जी। सर, आपने जो ऑडिट किया वो एक परफॉर्मेंस ऑडिट था आपने अभी बताया, एंड परफॉर्मेंस ऑडिट का मोटा मोटी मतलब यह होता है कि सरकार के फैसले से होने वाले संभावित नुकसान की जानकारी है ना? नहीं, नुकसान की बात नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑडिट जो होता है उसको बोलते हैं कि सरकार की जो सरकार ने खर्च किया है, एक्सपेंडिचर किया है, उसकी एफिशिएंसी, इकोनॉमी और एफिकेसी, तीन चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो उसमें लॉस केवल नहीं होता है जी। लॉस जब आता है, अगर सरकार के किसी एक्शन से मान लीजिए लॉस हुआ है तो ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ऑडिट उस लॉस को क्वांटिफाई करे जी। आपको लगता है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस ऑडिट होता है उसी तर्ज पर एक एनवायरमेंटल ऑडिट भी होना चाहिए? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जिन इलाकों से कोयला नहीं निकाला जाना चाहिए, बहुत सेंसिटिव इलाके जो होते हैं वहाँ से भी कोयले निकाले जाने लग जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एनवायरमेंटल ऑडिट भी होना चाहिए इन चीज़ों पर? आपका कहना बहुत ही सही है, क्योंकि ग्लोबली अब एनवायरमेंटल ऑडिट पिछले 5-7 साल से बहुत ही अहमियत रखने लगा है, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने भी एनवायरमेंट ऑडिट शुरू किया है। वो शुरू ही नहीं किया है, हम लोगों ने जयपुर के पास एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट सेटअप किया है, वो केवल एनवायरमेंट ऑडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑडिट की ट्रेनिंग देता है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? उसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल ऑडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको हम लोग आइस्ट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये सीएजी की पहल है? ये सीएजी ने ही ये इंस्टीट्यूट सेटअप किया है, इनॉग्रेट हम लोगों ने उसको 2013 में शुरू किया। सर, आपने जो
एक इंटरव्यू में कहा था कि संदीप दीक्षित, संजय निरुपम और अश्विनी कुमार ने आप पर दबाव डाला था कि प्रधानमंत्री का नाम कोल स्कैम की रिपोर्ट से हटाया जाए, तो आपको नहीं लगता कि आपको उस टाइम उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए थी? नहीं नहीं, एफआईआर करने की तो कोई बात ही नहीं थी। देखिए आप बात समझिए, बात ऐसी थी कि पहले जब ये इशू पीएसी में आया जी, तब उस टाइम दिसंबर का महीना था शायद, तब उन 2011 शायद उसमें अश्विनी कुमार जी थे, उन्होंने मेरे से कहा, और वही बात मैंने उस इंटरव्यू में कहा भी था कि प्रधानमंत्री को इस चीज़ से हटा दिया जाए। उस टाइम संजय दीक्षित और संजय निरुपम, संदीप दीक्षित पीएससी में नहीं थे, लेकिन हुआ क्या, लगभग उसी समय प्रधानमंत्री जी ने खुद, उन दिनों जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी पीएससी चेयरमैन को कि यदि आप ज़रूरत समझते हैं तो मैं खुद पीएससी में डिपोज करने के लिए आने के लिए तैयार हूँ। और ये जो चिट्ठी प्रधानमंत्री की, वो 2012 में एग्जामिन की गई। उस टाइम संदीप दीक्षित और संजय निरुपम दोनों पीएससी ज्वाइन कर चुके थे, अश्विनी कुमार जी तब मंत्री बन गए थे, तो वो ज्वाइन किए। उन्होंने, उनकी राय ये थे कि देखिए प्रधानमंत्री ने ऑफर तो जरूर किया है कि पीएससी में आम आए, लेकिन हम लोग की कोई ज़रूरत, कोई हम लोग ज़रूरत समझते नहीं, तो प्रधानमंत्री को इससे अलग रखा जाए। उस स्टेज पे देखिए एफआईआर करने का तो हम लोग का कोई स्कोप ही नहीं था, क्योंकि ये बात तो पीएससी में एग्जामिन कर हो रही थी, हमसे कोई वास्ता नहीं था उस मतलब को, हमारे ऊपर दबाव डालने का सवाल थी, उनको दबाव डाल रही थी वो पीएससी के ऊपर। तो मैंने किताब में यही लिखा है कि सम पीपल रिक्वेस्टेड अस टू कीप द प्राइम मिनिस्टर आउट, लेकिन वो पहली पीएससी की बात थी, क्योंकि जो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया उसमें हमने ये कहा था कि देखिए 2G मिनिस्टर या कोल मिनिस्टर जो जो भी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, चिट्ठी लिखी, 2G का केस चल रहा था तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, तो प्रधानमंत्री को बाहर कैसे रखा जा सकता था हमारी रिपोर्ट से। और दूसरा जो इशू है वो प्रधानमंत्री ने खुद पीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी थी, उसके मतलब कंसर्न था जी। तो कहीं ना कहीं ये 2G स्कैम है, कोला स्कैम है, जितने भी स्कैम्स हैं इनमें गिने चुने लोग नहीं होते, इनमें सारे ब्यूरोक्रेसी से लेकर नेता तक भी शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से पता है कि ये लोग कौन है, तो आपको नहीं लगता कि देश को ये जानने का हक है कि उनके जो टैक्स के पैसे हैं वो आखिरकार किन लोगों ने लूटे हैं? और अगर ऐसा है तो आपने इन लोगों के नाम क्यों नहीं बताए हैं? और आपने बुक के लॉन्च पर कहा था डोंट किल द मैसेंजर, तो क्या ये इसी संदर्भ में था? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने डोंट शूट द मैसेंजर इसलिए कहा कि लोगों ने कहा कि सीएजी का अपना मैंडेट एक्सीड कर रहा है, सीएजी ज़्यादा लॉसेस दिखा रहा है, सीएजी की रिपोर्ट लीक कर रही है। उस टाइम मैंने कहा कि देखिए सीएजी को आप का फॉल्ट मत फाइंड करिए, आप देखिए कि सीएजी क्या कह रहा है, मूलतः सीएजी क्या कह रहा है, बेसिक इशू क्या है, उस इशू को आप एड्रेस करिए, ये मैंने उसमें उसमें कहा था। और दूसरी बात ये देखिए, हम लोग तो ऑडिट करते हैं, ऑडिट कैसे होता है, केवल रिकॉर्ड देखते हैं, रिकॉर्ड देख के हमारी ऑब्जर्वेशन आती हैं, ऑब्जर्वेशन पे उनके मिनिस्ट्री का जवाब आएगा, उसके बाद हम अपने ऑब्जर्वेशन फाइनलाइज करेंगे। तो हम लोग जैसे CBI हो या कोई और इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि कोई कौन जिम्मेवार, कौन कौन है, जिन्होंने डिसीशन लिए वो तो हमने ऑडिट रिपोर्ट में दिखा दिया है, और उसके आगे अगर इन्वेस्टिगेशन करना है वो तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन करेगा, हम नहीं कर रहे हैं जी। सर, आपके कई इंटरव्यूज में, कई बयानों में हमेशा से ये लगाई थी आप प्रधानमंत्री जो उस टाइम के थे मनमोहन सिंह, उनको बचाने की ही मुद्रा में रहे हैं। 2G स्कैम में भी आप उनके प्रति थोड़े से नरम दिखते हैं। अगर ए राजा ने कई सारी चिट्ठियां प्रधानमंत्री को लिखी 2G स्कैम के टाइम, और प्रधानमंत्री जी ने बस एक्नॉलेजमेंट लेटर उनको वापस भेजा, तो आपको नहीं लगता है कि वो जो एक्नॉलेजमेंट लेटर थी वो थोड़े सॉलिड तरीके से अगर उनको लिखते तो उस टाइम कुछ असर हो सकता था और स्कैम शायद रुक सकता था? और क्या ये ऐसा है कि आप, मनमोहन सिंह आपके टीचर भी रहे हैं, तो क्या ये कारण है कि आप उनके प्रति बचाव की मुद्रा में रहते हैं? ये तो उल्टा सवाल आप पूछ रहे हैं कि वे जो मेरे खिलाफ एलिगेशन रहा है वो ये रहा है कि मैंने प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए ऐसा है, मैंने ये लिखा है कि जिम्मेदारी अक्सर होती है लीडर ऑफ द टीम की। अगर मान लीजिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम जाके ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट हार के आ जाता है, तो हमेशा फॉल्ट कैप्टन का,
या मैनेजर का, कैप्टन और मैनेजर का फॉल्ट होगा। तो इसमें भी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड तो प्रधानमंत्री होता है, ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो जितनी चिट्ठियां लिखी गई थी वो प्रधानमंत्री को लिखी गई थी, और जो उन्होंने जवाब भी दिया उन्होंने खाली रूटीन जवाब दिया। मैंने उसमें ये पॉइंट आउट किया कि अगर उस समय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया होता कि मंत्री जी आप स्वयं ये डिसीशन ना लीजिए, ये निर्णय आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में ले आइए ये मुद्दे को, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो उसमें यह निर्णय लिया जाए, ये बात मैंने पॉइंट आउट।